So this is the all new Pulsar RS 200. It's still a dream bike for youngsters. Am I right or wrong? Let me know in the comment section. So आज बात करने वाला है इस बाइक के बारे में और इस ड्रीम के बारे में, जो कि बहुत लोगों का पूरा होता है, बहुत लोगों का बस ड्रीम रहता है। और अगर मैं देखूँ मेरी जो डिलीवरी वाली वीडियो थी, उसमें बहुत सारे ऐसे कमेंट्स थे जहाँ पे बहुत लोगों ने इसे अपना ड्रीम बाइक बताया, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाया जाए। सो ये ड्रीम मेरा भी था करीब 4 साल पहले से, क्योंकि ये बाइक मार्केट में है करीब 7 ईयर्स से और इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं हुए हैं। तो आप सोच सकते हो कि ऐसी कोई बाइक जो कि मार्केट में 7 ईयर्स से है एंड फिर भी उसमें कोई चेंजेस नहीं है, तो फिर भाई कुछ तो बात है उस बाइक पर। ऐसे ही पल्सर RS 200 का फैन बेस नहीं है। सो हर किसी का ऐसा ड्रीम होता है कि भाई न्यू बाइक लेंगे, वीडियोस बनाएंगे, रील्स बनाएंगे और उसकी बैक स्टोरी ज़रूर बताएंगे कि कैसे ये बाइक मैंने परचेज़ की, कितने सारे स्ट्रगल्स के बाद। तो मेरा भी कुछ ऐसे प्लान है, तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। तो ये बात है 2016 की, जब मैंने अपने यूट्यूब से स्टार्ट किया था। और तब मेरा कुछ ऐसा नहीं था कि मैं मोटो व्लॉगिंग करूँगा, लेकिन ये था कि इन फ्यूचर कभी इस बाइक को परचेज़ ज़रूर करेंगे। बट जैसे आपको पता होगा कि मेरे पास पल्सर 150 था, तो उसी से मैंने अपना जर्नी स्टार्ट किया और बहुत संघर्ष करने के बाद आज यहाँ तक पहुँचा है इस बाइक के पास, जो कि एक बहुत बड़ा ड्रीम था। मुझे नहीं लगा था कि मैं खुद के पैसों से ये चीज़ कभी कर पाऊँगा, बट फाइनली आई रीच दिस पोजिशन। और जितने भी मतलब यंगस्टर्स हैं जिनको जिनका ऐसा ड्रीम है, तो मैं बस उनको ये बोलना चाहूँगा कि आप ये मत सोचो कि आप बहुत बड़ा ड्रीम देख ले हो कि आप इसको कैसे अचीव करोगे, बट छोटे छोटे स्टेप्स से आप स्टार्ट करो। ये मत सोचो कि कितना बड़ा ड्रीम है। अगर आपको लाइफ में कुछ भी चीज़ करना है, सिर्फ मैं इस बाइक के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, तो आप छोटे छोटे स्टेप्स लेना शुरू कर दो। ये मत देखो कि वो डेस्टिनेशन कितना दूर है, ये सोचो कि मेरा पहला स्टेप कितना दूर है, वो मैं कैसे अचीव करूँगा। तो आप डेफिनेटली धीरे धीरे अपने डेस्टिनी की तरफ ज़रूर बढ़ जाओगे। तो अगर इस बाइक की परचेज़ की अगर मैं बात करूँ कि मैंने ये बाइक परचेज़ क्यों किया, इसका बस यही रीज़न था कि मुझे फेयर्ड बाइक बहुत ज़्यादा पसंद है। और इस प्राइस रेंज के अंदर मैं इससे ज़्यादा अट्रैक्टिव और क्या बोल सकते हैं, मतलब डिज़ाइन वाली बाइक मार्केट में फ़िलहाल नहीं है। तो ये बहुत पहले से मार्केट में है, बट फिर भी इसका जो एग्रेसिव लुक है वो अभी भी बहुत यंगस्टर्स को अट्रैक्ट करता है, जैसे कि आप और बहुत सारे लोग। और जब भी न्यू बाइक परचेज होता है, तो ये दिमाग में रहता है कि इसको कैसे आप मॉडिफाई करोगे, लाइक कि आप कैसे एग्जॉस्ट चेंज करोगे, आप कैसे बाइक को अपने हिसाब से डिज़ाइन करोगे, लाइक इसको रैप करोगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने अभी तक कुछ भी नहीं किए, इन फ्यूचर करने वाले हैं ज़रूर। तो ये बाइक परचेस करने का रीज़न ये था, जैसे मैंने बताया कि इसका लुक्स और इसका कुछ कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती हैं, जैसे कि इसके फ्रंट के जो लाइट्स हैं, ये आपको कोई और दूसरे बाइक्स में देखने को नहीं मिलेगा। ये जो लुक है ये कहीं नहीं देखने मिलेगा आपको, यहाँ तक कि जो मोस्ट लवेबल बाइक है दैट इज़ R15, जो बहुत लोगों को पसंद है, लाइक उसका भी लुक बेटर है, बट मुझे ये ज़्यादा बेटर लगा क्योंकि ये थोड़ा सा यूनिक फील कराता है। क्योंकि वो बोलते हैं ना कि जो चीज़ हर किसी को पसंद है उसका वैल्यू कम जाता है, तो ये रीज़न ये था कि मैंने वो बाइक परचेस नहीं किया और मैं इस पे आया। और जो लोग इस बाइक को परचेस करना चाहते हैं, उनको मैं बता दूं ये चीज़ कि इसका जो मेंटेनेंस है मेरे हिसाब से बहुत कम है, क्योंकि बजाज ने बहुत अच्छा काम किया है कि इसके जो भी पार्ट्स वगैरह हैं वो बहुत ज़्यादा लाइक कि पावरफुल है। एंड जैसे कि अगर मैं R15 की अगर मैं कंपैरिजन करूं,
तो R15 का जो पार्ट्स है बहुत ज़्यादा, मुझे जहाँ तक यूज़ किया है मैंने, मुझे जहाँ तक पता है कि थोड़े, समझ रहे हो, कम क्वालिटी वाले चीज़ें, मतलब वही चीज़ है। मैं डीप जानना चाहता हूँ, और मुझे पता है इसको लेके भी मुझे कमेंट्स पे हेट मिलने वाला है जो भी R15 के लवर्स हैं। तो भाई ऐसा मत करो, मैं यहाँ पे कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, बट बस मैं ये बता रहा हूँ कि दिस इज़ बेटर। तो मिलते हैं आपसे कमेंट्स में। और इस बाइक को बहुत मेहनत से पैसे जोड़ जोड़ के यहाँ तक पहुँचे, और इस बाइक का अभी तक पूरा पेमेंट भी नहीं हुआ। ये बाइक मैंने EMI पे लिया हुआ है, अगर आपको पता होगा मेरे डिलीवरी वाले वीडियो में मैंने बताया था ये चीज़। तो ये नहीं है कि, जैसे मैंने बताया कि अगर आप इस बाइक को परचेस करना चाहते हो तो ऐसा नहीं है कि आपको पूरा पेमेंट देके बाइक को लेना है। जैसे मैंने बताया कि आप छोटे छोटे स्टेप्स रखते हो, तो वैसे ही EMI एक ऐसा ऑप्शन है जो छोटे छोटे स्टेप्स लेके आप इसको अपना बना सकते हो। तो अगर आपको उसके बारे में डिटेल वीडियो चाहिए, लाइक EMI के वगैरह के बारे में और बाइक के ऑन रोड प्राइस वगैरह के बारे में, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं मुझे। उसके लिए भी मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा अगर आपको ज़रूरत है तो। और जब से मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, तब जैसे कि मेरे पास 150 CC बाइक था, तो उस बाइक पे बहुत सारी दिक्कत आ रही थी, जो कि अगर लॉन्ग रूट्स पे जाते थे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था, क्योंकि उसका टॉप स्पीड आपको पता है 90-95 ऊपर नहीं जाता है। और जैसा कि अगर मैं देखूँ तो ऑफ रोड में भी और माउंटेन्स वाले रोड पे भी बहुत दिक्कत दे रही थी, क्योंकि वो ऐसा कोई माउंटेन बाइक नहीं है। बट अगर आप बोलो कि नहीं ये भी तो भाई ऐसा कुछ बाइक्स नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मैं इसकी बात करूँ, अभी तक मैंने इस पर सिर्फ एक राइड किया हुआ है, तो मुझे जहाँ तक लगा कि ये कर लेगा भाई। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको हिमालय नहीं चाहिए या फिर आपको रॉयल इनफील्ड ही चाहिए ऑफ रोड करने के लिए, ऐसा नहीं है। अगर बहुत लोग लगता है कि नहीं आपको अगर ऑफ रोड करना है या फिर आपको लद्दाख वाले रीजन पे जाना है तो आपको रॉयल इनफील्ड चाहिए या फिर ऑफ रोड वाला बाइक चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बाइक जो चला रहे हैं उसको उस चीज़ की समझ होनी चाहिए कि कौन से रोड पे कैसे चलाना है, एंड आपको उस रोड का नॉलेज होना चाहिए। तो अगर आप कहीं भी ऐसे राइड प्लान कर रहे हो तो पहले की वीडियोस ज़रूर देख ले, तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि आपको किस जगह पे कैसे चीज़ों को राइड करना है। तो इसको भी अगर मैं देखूँ तो इसको भी आप ऑफ रोड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जितने भी राइड्स मैंने किए हैं अभी तक, वो सारे मैंने 150 CC में किए हैं, ऑफ रोड वगैरह जो भी किया मैंने, तो वहाँ पे बस मुझे पावर का थोड़ा सा कमी महसूस होता था, तो जिसकी वजह से मैंने ये परचेस करने का सोचा। और इस बाइक के अगर मैं पावर की बात करूँ तो इसका जो मेन पावर है वो हाई एंड पे है, लाइक आफ्टर थर्ड फोर्थ गियर के बाद। तो स्टार्टिंग में अगर आपको पावर चाहिए तो मैं ये बोलूँगा कि, मतलब इनिशियल पावर वाले बाइक से अगर चाहिए तो मैं भी बोलूँगा कि आप दूसरे बाइक को दे सकते हो, लेकिन 18 Nm का टॉर्क है इसमें, तो मेरे ख्याल से ये काफ़ी रहता है सिटी के अंदर में। लेकिन आपको अगर ज़्यादा चाहिए पावर तो आप हाई एंड CC के बाइक की तरफ जा सकते हो। और इन फ्यूचर देखते हैं कि इसको कौन सी बाइक रिप्लेस कर सकती है, अभी तक ऐसा कुछ बाइक मुझे नहीं दिखा इस प्राइस रेंज के अंदर में। और इसके लुक्स भाई, मतलब कितना रेटिंग आप देना चाहोगे इस बाइक के लुक्स के लिए? और ये जो कलर है, ये पर्ल वाइट कलर है। बहुत लोग बोल रहे थे कि भाई क्यों ले रहे हो वाइट कलर, लेकिन वाइट का एक अलग ही क्रेज़ है, अगर आप वाइट लवर हो तो आपको पता होगा। ये कुछ मून जैसा शाइन नहीं करता? तो नेक्स्ट राइड का प्लान अभी तक किया नहीं कुछ, अगर आप चाहते हो कि मैं कुछ स्पेसिफिक एरियाज़ पे ही राइड करूँ इस बाइक के साथ, तो आप कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइए, और आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। मैं बता दूं कि ये मेरी मंजिल नहीं है, ये कुछ मेरे हिसाब से मेरी जो ड्रीम्स हैं ये कुछ भी नहीं है, बहुत सारी चीज़ें बाकी है अभी भाई। अभी सुपर बाइक्स भी आना बाकी है, उसका एक अलग अगर होगा तो मैं एपिसोड बनाऊंगा कि मुझे क्या, कौन सी सुपर बाइक पसंद है और मैं क्या लेने का प्लान कर रहा हूँ। अभी तो कुछ सवाल ही पहचान नहीं होता, अभी मैं राइड पर जा नहीं पा रहा हूँ, सुपर बाइक तो बहुत दूर की बात है। तो वो बोलते हैं ना कि टाइम चेंज होता है हर किसी का, तो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द गुड टाइम, और अभी टाइम थोड़ा सही नहीं चल रहा है। तो बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, और ये बाइक आपको कैसी लगती है? जो भी न्यू व्यूअर हैं, जो मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम भी वीडियो देख रहे हैं, तो आप पहले की वीडियोस भी जाकर देख सकते हो। तो इस वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। और एक बात ज़रूर याद रखिएगा कि आपको कमेंट में बताना है कि नेक्स्ट राइड का मैं कहाँ पर प्लान करूँ, तो जैसे ही आप बताओगे तो मैं अपना प्लानिंग स्टार्ट करने देने वाला हूँ। तो जल्दी से कमेंट करें और
मिलते हैं बहुत जल्द आपको एक दूसरे राइड पे। गुड बाय।